वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को रुद्रपुर मोदी मैदान में प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके तहत ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन महामंत्री अजय ने भूमि पूजन कर कार्यक्रम स्थल का काम शुरू करवा दिया है। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पहली रैली कुमाऊं मंडल के नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट को दी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को लेकर सभी एक साथ हो गए हैं और इन लोगों की ना नीयत ही एक है नहीं है जो सोच एक है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने उत्तराखंड में जो पहली रैली देवभूमि में जो दी है वो नैनीताल लोकसभा सीट को दी है। 2 तारीख को 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी मैदान से जनता को आह्वान करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम भगवान श्री राम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी हवे हमने आज यहाँ पर एक छोटी सी पूजा रखी है।